बाद स्टार हो गया है द होस्ट नेशन रशिया सऊदी अरेबिया के साथ खेल रही है एंड राइट नाउ 2-0 एज वी स्पीक बट इट इज 9:30 और मैं सिर्फ फुटबॉल की बात नहीं करने आ गया हूँ क्योंकि वक्त है स्वो क्रिकेट शो खेलने का जहाँ पे मेरा अमिताभ बच्चन का सपना ऑलवेज पूरा होता है क्विज मास्टर बनने का तो हम शुरू करते हैं लेकिन पहले रूल्स हो जाए हर 9:30 बजे मैं आपका क्विज मास्टर सलील आचार्य यहाँ पहुंच जाता हूँ स्वो ट्रिविया शो लेकर आपको ऐप पर आप खेल सकते हैं हर सवाल के साथ आपको मिलेंगे 3 ऑप्शंस 10 सवाल होते हैं और करेक्ट आंसर ऑब्वियसली आप में से सिर्फ एक ही होता है अभी 10 सवालों का सही जवाब देते 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 आप 1,00,000 रुपए तक प्राइज मनी जीत सकते हो आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए मिलते हैं सिर्फ 10 सेकंड अगर आपने किसी सवाल का जवाब गलत दिया या 10 सेकंड के अंदर आप जवाब नहीं दे पाए देन टाटा बाय बाय सी यू टुमारो Now, what's my first question is live, the most important part. So, although we're live right now, I've not started the questions. So, ये बात कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं. जब तक मैंने पहला सवाल नहीं किया है, आप join कर सकते हैं, login कर सकते हैं. लेकिन उसके बाद, just as a spectator आप देख पाएंगे, इसे खेल नहीं पाएंगे. लेकिन फिर भी, अगर आपने गलत जवाब दिया, खेलते समय, no issues, एक वरदान है आपके पास. आपकी लाइफ डिडक्ट हो जाएगी और आप गेम में कंटिन्यू कर सकते हैं जैसा कि वीडियो गेम जहां आपको गेम की शुरुआत में 3 लाइव्स मिलते हैं और आपको सारे स्टेजेस कंप्लीट करने पड़ते हैं और उसके बाद खुशी मिल जाती है तो रजिस्टर करने पर वो 3 लाइव्स मिलेंगे आपको और हर किसी का ये सवाल जवाब रहता है फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर आपको अगर एक्स्ट्रा लाइव चाहिए तो रेफर कीजिए रेफरिंग इज द ओनली वे जितनी बार आप अपने यू नो रेफरल कोड को लोगों को भेजेंगे वो डाउनलोड करेंगे एंड दे विल प्ले दे विल गेट अ लाइव यू आल्सो गेट अ लाइव तो दोनों का डबल बेनिफिट है बट देयर इज अ कैच आप हर गेम में सिर्फ एक ही लाइव यूज कर सकते हैं और लाइव को आखिरी सवाल के लिए एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं सो अप टिल क्वेश्चन 9 दैट्स ऑल यू कैन यूज और आपने पहले सवाल के बाद अगर ज्वाइन करने का प्रयत्न किया तो आपको सिर्फ शो देखकर जैसे कि दोबारा समझा रहा हूं संतुष्ट होना पड़ेगा लेकिन अगर आप एलिमिनेट हो जाते हैं यू कैन कंटिन्यू वाचिंग द शो गेट योर यू नो जीके क्विज ऑल दैट मोस्ट इंपोर्टेंट यू हैव टू स्टे अनइंटरप्टेड मतलब कि मेक श्योर योर फोन इज चार्ज्ड मेक श्योर इन रिसेप्शन एरिया प्लीज अपग्रेड टू ऑल द लेटेस्ट ऐप टू गेट द फीचर्स समटाइम्स यू नो यू कैन गो ऑफ गेट आउट ऑफ इट बट नो देन यू विल बी एलिमिनेटेड ऑलराइट रूल्स खत्म दोज हु लॉग्ड इन हैव लॉग्ड इन लेट्स स्टार्ट टुडेस गेम आज का पहला सवाल कमिंग अप फॉर यू विद मी सलील राइट नाउ Which of these is a fruit that has water inside it? इनमें से कौन सा एक फल है जिसके अंदर पानी होता है तीनों मेरे फेवरेट है एंड वेरी वेरी हेल्दी टू एक वेजिटेरियन बहुत खाते हैं एंड ब्रोकली ऑल्सो लेट मी टेल यू इट्स अ डायनामाइट फूड जिसे बोलते हैं सुपर फूड सही मात्रा में अगर खाया जाए फॉर अ लॉट ऑफ वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स मैं आपको समझा रहा हूँ प्रोटीन कॉन्टेंट अगर सही मात्रा में खाया जाए चिकन से भी ज्यादा प्रोटीन है ब्रोकली में इनफैक्ट ब्रोकली एंड चिकन सूप इज माई फेवरेट सो इट्स अ बॉडी बिल्डिंग फूड द करेक्ट आंसर बट ऑफकोर्स इज कोकोनट एंड 94% पीपल गेटिंग दैट राइट वेल डन The sailors about basket drama ships gave the coconut its name. They called it Coco. लेकिन उस समय का जो जमाना था अमेरिका और इंग्लैंड ऑलवेज अपने 2 बिट्स डालना चाहते थे तो उन्होंने नट वर्ड ऐड किया और कोको नट हो गया All right, time to get over the coconut, move into the countries of maps and worlds of the globe. The second question coming up for you right now. Which of these cities is the capital of a neighboring country of India? इनमें से कौन सा शहर भारत के एक पड़ोसी देश की राजधानी है अब ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है साउथ एशिया का लार्जेस्ट मॉस्क इस्लामाबाद में है हैदराबाद में है सिद्ध सईदी मॉस्क और जहांगीर के शासनकाल में अलाहाबाद मुगल एम्पायर का कैपिटल था जस्ट अबाउट द 3 ऑप्शंस करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स इज इस्लामाबाद 85% पीपल गेटिंग दैट राइट वेल डन एवरीबॉडी नॉट टू बैड इस्लामाबाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान का कैपिटल है People get confused. It's not Karachi. Karachi pehle tha. 1960s mein Islamabad was made to replace Karachi as Pakistan's capital. All right, like I said, big day today, the Football World Cup. Lekin, bhai, cricket hamara pehla pyar hai. Aaj Bharat Afghanistan ke saath bhi ek historic test match khel raha tha. And what an innings played by Shikhar Dhawan. Pehle lunge se pehle hi 100 maar diya. Wow, love it. 280 for 130 Bharat. Aur uske baad Afghanistan ke bowlers ne aisa aisa kuch kar diya. 347 for 6 after 78 overs. You know, I'm one of those people who loves watching 700 for 7. India batting first. I love that. Anyway, let's get to cricket for question number 3. Hopefully that will happen tomorrow. The third question on the screens now. Which team has Virat Kohli played for in the Ranji Trophy? Virat Kohli ne kaun si team ke liye Ranji Trophy mein khela hai? Option aapke screen par hai. Fondly called Chiku. Pehle unke liye gaale se Chiku type hote the. That's why. Abhi bahut fit hai. He made his first class debut in 2006. And what catapulted him to fame was जब वो अंडर 19 टीम के कप्तान थे और वर्ल्ड कप मलेशिया में जीत गए थे अच्छा शिखर धवन एंड ऑल वर्ल्ड पार्ट ऑफ द टीम एट दैट टाइम आशीष नेहरा आल्सो दैट टाइम एनीवे द करेक्ट आंसर फॉर चिकू इज दिल्ली 90% पीपल गेटिंग दैट राइट वेल डन एवरीबॉडी विराट कोहली दिल्ली से जस्ट लाइक मी वो भारतीय क्रिकेट टीम की बुलंदी पर है अनलाइक मी बट राइट अमंग द स्टार जहां से हमारा अगला सवाल मैं उठाने वाला हूं फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ In 2016, Urjit Patel took over from Raghuram Rajan as the governor of what? 2016 में Urjit Patel ने Raghuram Rajan से किसके governor के रूप में पदभार संभाला था?
Now, the short forms you've got as options, ISRO, Indian Space Research Organization, RBI, Reserve Bank of India, ab ye to pata hoga, aur DRDO, military se related hai, like the American NSA, so, you don't need to know too much. Correct answer, of course, 10 seconds pure ho chuke hai, is RBI, 95% people getting that right. Sahi sankhya mein log aage badhte ja rahe hai, very high number of people that have moved already forward. Actually, but this appointment of Urjit Patel was very controversial one, kyunki Raghuram Rajan ka exit bahut controversial tha, bahut sawal uthaye gaye the RBI ke autonomous rehne par, iske independence par, sarkar kya haavi ho rahi thi ki nahi, but that's very political. So let's move on to the next question. The fifth question coming up for you now. The southernmost point of India is Indira Point, which is found in dash. Bharat ki sabse dakshini jagah Indira Point kahan sthit hai? Indira Point was earlier known as the Pygmalion Point since its inception. It was later renamed by former PM Rajiv Gandhi after his mother's visit to this very popular point. But, you know, lots of things went in there. Aajkal to naam aise badalte rehte, so you never know how long it'll stay. The correct answer, of course, is Nicobar District. Thus, second half ke pure 53% people thinking that. Kanyakumari, bahut logon ko ye laga, 38% people. But it is actually Nicobar District. Sri Lanka's Salaiman Island is just 20 kilometers far from Indira Point. Dhanushkoti is the last Indian town in the Indian territory. Uske aage ka rasta jata hai Ram Setu par. You know, my biggest love is traveling. Aur aaj when I have the means to just say ki main yahan jana chahta hu, main bas Instagram pe travel karta hu bahut sare logon ki tarah. Aur kamal ki baat ye mere ko khushi bhi mil jati hai. Dusre logon ki khushi mein hamari khushi hai. But don't do that only with traveling. So tickets book karo, kharcha karo. Traveling will make you a rich man yahan pe aur yahan pe. Hyun Sang was a famous traveler. Aur aaj Hyun Sang the famous traveler par sixth question. Swoo Maharaj, hamare Swoo trivia show par laya jaye. The Chinese traveler Hyun Sang visited India during whose reign? Chief ke yatri Hyun Sang ne kis shasan kaal ke dauran Bharat ka daura kiya tha? Ab Hyun Sang ek Chinese Buddhist monk, scholar, traveler, translator the who traveled to India in the 7th century and described the interaction between Chinese Buddhism and Indian Buddhism during the early Tang dynasty. Ye to thoda severe hota hoga, but the correct answer, 10 second pure, is Harshvardhan, jo aapke screen par hai. 65% people getting that right, not bad. Chandragupta, 28% people thought it was that. No. History classes ke flashback aa gaya, remember about his book Siyuki or Record of the Western Countries. But Hyun Sang was all praise for Harshvardhan and his rule, so I'm happy now. All right, moving on. Well traveled hona aapko intelligent hone ke saath saath well informed bhi banata hai aur aapke mind ko sharp karta hai. To agle sawal mein chess khelkar aap test liya jayega aapka how sharp is your mind. Swoo Maharaj, the question please, seventh question on your screens now. The deep blue computer that defeated Garry Kasparov in chess was made by dash. Shatranj mein Garry Kasparov ko parajit karne wala deep blue computer ko kisne banaya tha? बचपन में मैं बहुत चेस खेलता था, पिताजी के साथ मुझे बहुत पसंद आता था और उस समय कंप्यूटर तो नहीं था हमारे बचपन के जमाने में. Garry Kasparov was the all time great of chess. You know, he played alongside Kramnik, Karpov and the great Bobby Fischer. But सोचो ये कमाल की बात, ranked number one in the world for 225 out of 228 months, not weeks. Wow. Correct answer of course is IBM. 84% people getting that right. IBM बहुत बड़ा ऐसा कंप्यूटर था सामने. I remember this in 97. He became the first world champion to lose a match to a computer under standard time controls. लेकिन उससे पहले एक साल पहले वो डीप ब्लू को हरा भी चुके थे 1996 में. I was 16 years old at that time. I loved it. अपनी उम्र भी दे दी आपको. All right, let's get filming. The eighth question on your screens now. Ketan Mehta, who directed the film Manji the Mountain Man, Kamal ki dasti ke nawaz, also directed the TV show Dash. Film Manji the Mountain Man के director Ketan Mehta ने इनमें से कौन सा TV show direct किया था? FTI पुणे के स्टूडेंट थे केतन मेहता साहब और वो उसके बाद इसरो में टेलीविजन प्रोड्यूसर भी रहे. और रिसेंटली फाइटिंग विद कंगना एवरी डे ओवर द राइट्स फॉर मणिकर्णिका. झांसी की रानी पहले उनको वो बनाना था लेकिन अब कंगना ने मणिकर्णिका बना दी. एनीवे करेक्ट आंसर इज कैप्टन व्यो. 67% पीपल गेटिंग राइट. बहुत अच्छी कोशिश थी उनकी बनाने की. उस समय पर दो सीरियल आते थे ऐसे, सिग्मा और कैप्टन व्यो. एंड यू नो मिलिंद सुमन एंड सारे मॉडल्स बहुत ही खूबसूरत लुकिंग थे इन दिस. इट ओनली रन फॉर वन सीजन बॉस, लेकिन सबने जिम जाना शुरू कर दिया था इसके बाद. सबको बॉडी बना रही थी उसके बाद मिलिंद सोमन को देखकर, और आज भी इतने फिट है. एनीवे अगला सवाल भी फिल्मी है. सो ऑल यू फिल्म बफ्स, वेरी टफ क्वेश्चन, द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्विज. सो हमारा सवाल लाए द नाइंथ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन्स नाउ. व्हिच ऑफ दीस एक्टर हैज वन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फॉर टू लैंग्वेजेस. इनमें से कौन से अभिनेता ने दो भाषाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नेशनल अवार्ड जीता है? तीनों ऑप्शंस आपके सामने हैं, दिग्गज कलाकार तीनों. आई मीन आई डिडंट नो दिस एट ऑल, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. लेकिन अगर मैं आपकी तरह खेल रहा होता तो मेरे पास वो एक वरदान बचा होता अभी तक, जिसको मैं अभी यूज कर लेता और दसवें सवाल की तरफ प्रस्थान करता, बिकॉज कोई भी हो सकता है. द करेक्ट आंसर इज मिथुन चक्रवर्ती. 78% पीपल गेटिंग दैट राइट. यू नो व्हाट, मैं आपसे बताता हूं, मुझे लगा था कमला सर
But Mithun Chakravarti had won a National Award for Best Actor for his debut film Briga, and he later went on to win the National Award for Best Actor for the Bengali film Tahidar Kotha. Now Mithun Dada, I think, was a very underrated actor. Aur agar logon ko Guru pasand hai, which was Abhishek's finest performance, I feel, it was because samne takkar ka kalakar tha. Mithun Dada was super. All right, jitna maza mere ko sawal poochne mein aa raha hai, usse kahin zyada maza aapko paisa jeetne mein aayega. 10वां सवाल जी आ गए हम इस सेशन के आखिरी सवाल पर जिसके आंसर देते ही आप बन जाएंगे पैसों के हकदार. The 10th question up for grabs. In April 2013, who was appointed as Chancellor of Assam University? April 2013 में असम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कौन नियुक्त किया गया था? आपके पास ऑप्शन स्क्रीन पर है. भूपेन हजारिका ऑफ कोर्स, रेनाउंड म्यूजिशियन असम से, जावेद साहब पोएट लिरिसिस्ट वेरी फेमस ऑफ कोर्स, फादर ऑफ पैरल एक्टर वेल नोन ऑफ कोर्स, पद्मश्री है, पद्मभूषण है, गुलजार साहब के बारे क्या बोले सर पायलागु. बस ये तीन ऑप्शन है आपके. द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स नाउ दैट विल गेट यू द मनी. गुलजार साहब इज राइट. और आज जितने सही जवाब आए हैं, यस आई एग्री, वेल डन एवरीबॉडी, दैट्स वाओ, 4,366 पीपल, ये नया रिकॉर्ड है. Gulzar was appointed as the Chancellor of Assam University for a 5-year term in April 2013. The only man, I promise you, I'm scared of, jab main unka interview leta hu radio or TV ke liye, kahin wo daat na de, pehle se research karke jana padta hai. Anyway, aapko daatne ki koi zarurat nahi. You are all excited. Congratulations to all the winners. Aapki har jeet har roz shandaar rehti hai. लेकिन दो घंटे बाद जब पैसे अंदर आए थे तो ज्यादा सुकून मिलता है. यू गॉट इन योर पेटीएम अकाउंट. जाने से पहले मैं याद दिला दूं आपको, फेसबुक पर फॉलो अस राइट नाउ, स्वू ट्रिविया शो इंडिया, एंड आवर इंस्टाग्राम अकाउंट इंक्रीजिंग बाय द डे. आई लव इट, सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑडियो ऑन हैंडल स्वू अंडरस्कोर ट्रिविया अंडरस्कोर इंडिया फॉर ऑल क्लूज एवरी डे दैट वी गिविंग आउट. ऑल राइट, टाइम फॉर मी टू गो. कल फिर आपसे मुलाकात होगी. आप खेलते रहिए स्वू ट्रिविया शो, जहां खेलता है और जीतता है सारा इंडिया. बनाओ एक्सेलेंट साइनिंग आउट्स.